पीछे आप देख ही पा रहे होंगे पूर्व मध्यकाल में त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले राजवंश और उनके प्रसिद्ध शासकों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ बात आज करने वाले हैं त्रिकोणीय संघर्ष की। त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ लगातार तीन राजवंशों के बीच और 300 साल, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 300 सालों तक ये तीन वंश आपस में बस लड़ते ही रहे। किस जगह को लेके? कन्नौज को लेके इनमें आपसी लड़ाई हो रही थी। और वो कौन से तीन वंश थे, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, नहीं पता तो हम अभी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उस वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से थे, शासक कौन कौन से थे जो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। सो पीछे आप देख ही पा रहे होंगे पूर्व मध्यकाल में त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेने वाले राजवंश और उनके प्रसिद्ध शासकों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तीन राजवंश जो थे कैसे थे। भारत में मध्यकाल स्टार्ट ही हो गया था और पूर्व मध्यकाल चल रहा था, तो उसी समय क्या हुआ था, ये वाला जो इलाका, ये जो पश्चिम वाला इलाका है, उत्तर पश्चिम वाला, यहाँ पे एक गुर्जर प्रतिहार वंश चालू हुआ था। गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे पूर्व में एक पाल वंश चालू हुआ था। क्या वंश हुआ था? पाल वंश, ठीक है। सो पाल वंश और नीचे यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? राष्ट्रकूट वंश, ठीक। और ये सब लड़ रहे थे इस जगह को लेके। ये थी क्या थी? ये कन्नौज हुआ करती थी, कन्नौज को लेके। तो इन तीनों में थ्री पार्टी स्ट्रगल तीनों ही हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए इसको त्रिपार्टी या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। कोई दिक्कत परेशानी? कौन कौन से प्रसिद्ध शासक रहे हैं ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। चले तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात कर रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासकों को लिया हमने, है ना। सो प्रमुख शासक ही आप देख पा रहे होंगे, पांच ही देख रहे हैं हम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है वत्सराज। कौन भाई? वत्सराज। इनका समय काल क्या रहा है? 783 से 795, यानी लगभग 12 सालों का इन्होंने शासन करा हुआ है। और 12 सालों में इन्होंने शुरुआत तो करी दी थी लड़ाई, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय, ये अच्छे शासक रहे हैं, नाम इनका रहा है प्रतिहार वंश में। और 795, मतलब इनके बाद, वत्सराज के बाद इनका ही आया शासनकाल, नागभट्ट द्वितीय। और 833 ईस्वी तक ये रहे, मतलब 38 सालों तक इन्होंने शासन किया हुआ है, 38 सालों। इसके बाद हम बात करें रामभद्र की, तो इसके बाद रामभद्र आए 833-36, कुछ खास नहीं कर पाए। मेहरभोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रतिहार वंश में। मेहरभोज जो है 836 से 889, समझ रहे हैं? 836 से 889, यानी कि 53 ईयर्स शासन, 53 सालों का शासन। महेंद्रपाल रहेंगे 889 के बाद, 890 से 10, यानी 20 सालों का इनका शासन काल रहा है। और पूरे के पूरे प्रतिहार वंश में, गुर्जर प्रतिहार वंश में मेहरभोज सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शासन इन्होंने किया हुआ और बहुत ज़्यादा नाम इनका आ जाता, क्योंकि एक समय तक ये मान के चलिए मालवा गुजरात तक तो इनका पोर्शन था ही, कन्नौज भी जीत चुके थे और ये कहीं ना कहीं बिहार के आस पड़ोस तक इनका साम्राज्य चलता था, पूरा उत्तर भारत इनके अधीन हुआ करता था। तो मेहरभोज सबसे इंपॉर्टेंट, कहा? गुर्जर प्रतिहार वंश। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे, राष्ट्रकूट वंश। ये दक्षिण के थे भाई, और यहाँ पे ज्यादा नहीं, चार ही शासक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं राष्ट्रकूट वंश के। ध्रुव, जो मैंने बताया था कि ध्रुव जैसा नाम वैसा काम, ध्रुव आकाश में चमकता हुआ एक तारा भी है, तो भैया वैसे ही ये राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव तारे थे। ध्रुव राजा इनका नाम इसीलिए रखा गया। इन्होंने अच्छा खासा काम किया 779, 779 से लेके 793 तक, मतलब 14 सालों का शासन है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन शुरुआती तौर पर हमेशा याद रखिएगा कि खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़े रहना। अगर आप खड़े ही नहीं हैं, आउट ही हो गए हैं, तो मतलब क्या है? तो खड़े रहना अपने आप में, भली वो आप कितने समय तक खड़े हो। तो फिर गोविंद तृतीय, ये अच्छे हैं शासक, 793 से 814 तक, मतलब यहाँ पे 21 सालों का इन्होंने शासन किया हुआ है। लेकिन यहाँ राष्ट्रकूट वंश में भी, जैसे प्रतिहार वंश में मेहरभोज सबसे इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, वैसे यहाँ राष्ट्रकूट वंश में अमोघवर्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं, याद रखिएगा इनको। अमोघवर्ष 814 से
78 ईस्वी तक, मतलब आप ये मान के चलिए 64 ईयर्स का इन्होंने शासन यहाँ पे किया हुआ है। कितना? 64 ईयर्स का। चलिए नेक्स्ट कृष्ण द्वितीय रहेंगे, और कृष्ण द्वितीय 878 से 914 साल होगा, तो 14 साल ये हो गए, और यहाँ पे 22 साल ये हो गए, तो कितने हो गए? 14 और 22, 36 साल। ठीक है, तो 36 साल इन्होंने भी शासन किया कृष्ण द्वितीय ने। ये सारे के सारे राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक हैं। अभी पूरा का पूरा मैं एक एक बताऊंगा, दंती दुर्ग से स्टार्ट करवा के राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक से अंतिम शासक तक, लेकिन अभी हम यहाँ केवल हम मेन इंपॉर्टेंट शासकों की बात कर रहे हैं। चलिए लास्ट हम बात करेंगे किसके, पाल शासकों की। पाल वंश के जो शासक रहे हैं वो भाई पूर्व में रह रहे थे, गोपाल ने स्टार्ट किया था पाल वंश, और धर्मपाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 770 से 819, मतलब लगभग इन्होंने 49 ईयर्स तक शासन किया भाई। 49 ईयर्स यानी 49 साल, कम नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहे पाल वंश के। देवपाल, देवपाल 815 से 855, इन्होंने भी 40 सालों तक शासन किया हुआ है। विग्रहपाल, विग्रहपाल ज़्यादा नहीं, 11 सालों तक इन्होंने शासन किया हुआ है, क्योंकि लड़ाई झगड़े इस समय ज़्यादा ही चल रहे थे। और फाइनली नारायणपाल, नारायणपाल 860 से 915, मतलब ये 55 सालों तक शासन करें, तो ये पाल वंश के अच्छे अच्छे शासक रहे, एक से एक शासक। ठीक, ये तीनों ही वंश, तीनों वंश में हमने देख लिया, और तीनों वंश के ये प्रमुख प्रमुख शासक आपको बताए हैं जो लड़ाई कर रहे, केवल लड़ाई में ही चल रहा था, इतने शक्ति शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने पूरा खर्च अपना कहाँ किया हुआ है? लड़ाई झगड़े में किया। अगर ये लड़ाई झगड़े में ना करके थोड़ा सद्भाव के साथ काम करते तो हो सकता था और ज़्यादा चलते, लेकिन ये ज़्यादा चल ही नहीं पाएगी, 300 साल तक कम नहीं होता चलना। एक बात मैं आपको बता दूं, अपने आप में 300 सालों तक मुगल्स चले हैं, ठीक है, तो 300 साल चलना भी कम बात नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया हुआ है, केवल लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तो त्रिपक्षीय संघर्ष इनका चल रहा था, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था, इंपॉर्टेंट शासक ये हो गए। इतना ही इस वीडियो में हम रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे चोल साम्राज्य की, कि चोल साम्राज्य में, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का साम्राज्य था, बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य था, कौन कौन से प्रमुख शासक रहे हैं, सारी चर्चा हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।